हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का अगला लेक्चर। और उसमें देखेंगे प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, आज आपको बताते हैं एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए हेडिंग लिखते हैं एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट। इस हेडिंग पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जिससे लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं वैसे एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग है इससे बिल्कुल, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम लोग समझते हैं, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट को जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। फिर यहाँ पर लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और एक्स वाई जेड पी क्यू आर। फिर यहाँ पर लेते हैं सी वन सी टू सी थ्री एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब स्टूडेंट बोला गया इसको आप ऐड कीजिए। तो देखिए ये जो डिटरमिनेंट है थ्री बाई थ्री आर्डर का है, जब यही मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते थे, ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस एक्स टू एक्स, मतलब मैट्रिक्स में ऐड करने का रूल क्या था कि इच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबको ऐड करते थे। लेकिन डिटरमिनेंट्स में देखिए जनरल फार्म हम लिखे हैं कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, यहाँ पर सेकेंड कॉलम सेकेंड थर्ड कॉलम, यहाँ भी सेकेंड थर्ड कॉन्स्टेंट है, ये दो कॉलम कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में चेंजेज हो रहा है। तो देखिए जब ऐड किया गया तो इतना ये आएगा ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, यहाँ पर आ जाएगा ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री सी थ्री, और जो कॉन्स्टेंट एलिमेंट है वो ऐड नहीं होता, बस वो उतर जाता है जो कॉन्स्टेंट। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या तो कॉन्स्टेंट हो या दो रो कॉन्स्टेंट हो। जैसे देखिए जब मैट्रिक्स को ऐड किया गया, डिटरमिनेंट को ऐड किया गया, तो इस डिटरमिनेंट के एडिशन में दो कॉलम क्या थे, कॉन्स्टेंट थे, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो देखिए ऐड करने पर ये आया। अब हम बोले कि इसको स्प्लिट कीजिए, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट अगर बोलना, अब उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर हम बोले कि इसको स्प्लिट करके ये लाइए, आरएचएस को ब्रेक करके एलएचएस लाइए, तो कैसे लाओगे, तो ये ऐड किया गया है तो सोचिए कैसे आया होगा। तो एक्स वाई जेड और पी क्यू आर को पहले कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो पहले ऐसे लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री, इसको लेंगे तो इसके साथ एक्स वाई जेड पी क्यू आर लेंगे, फिर बी वन बी टू बी थ्री को लेंगे तो फिर एक्स वाई जेड पी क्यू आर लेंगे, सी वन सी टू सी थ्री को लेंगे तो फिर एक्स वाई जेड पी क्यू आर लेंगे। देखिए आ गया कि नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट एडिशन होता है, ये इसके इक्वल होगा। प्रूफ का क्या करना है, बस कंसेप्ट समझिए। प्रूफ कैसे करोगे, इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इस पूरे कीजिए, आ जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेकिन उतना में काम नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए। एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट समझिए कैसे हो रहा है। जैसे हम बोले स्प्लिट करने के लिए कि इससे ये स्प्लिट कीजिए, तो बहुत आसान है। तो ऐड भी कर सकते हो आप, स्प्लिट भी कर सकते हो, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, हम बोले कि चलिए इसको स्प्लिट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो गया ए वन प्लस एक्स बी वन प्लस वाई, और ये हो गया आपके पास सी वन प्लस जेड, यहाँ पर हो गया पी क्यू आर, और फिर यहाँ पर हो गया ए बी सी। हम बोले कि आप चलिए इसको स्प्लिट कीजिए, तो ये देखिए ऐड किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो इसको स्प्लिट कीजिए। अब कैसे स्प्लिट करेंगे जरा सोचिए, ये ऐड तब हुआ होगा जब कोई भी दो कॉलम को यहाँ कॉन्स्टेंट करेंगे, तो इसको में कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन तभी होता है जब कोई भी दो चीज़ कॉन्स्टेंट होती है। तो पी क्यू आर हो गया, यहाँ पर ए बी सी हो गया, इसको कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे। अब फिर यहाँ पर क्या होता है, ये पहला एलिमेंट ए वन बी वन सी वन, तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार ए वन बी वन सी वन के साथ इन दोनों को ले लीजिएगा, और फिर प्लस, और फिर क्या है एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को यहाँ पर लिखेंगे और इसके साथ फिर से पी क्यू आर और ए बी सी को ले लीजिएगा।
तो देख लीजिएगा इस तरह से स्प्लिट हो गया। तो आप डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट स्प्लिट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम स्प्लिट कर दिए, तो दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, कैसे स्प्लिट करना है कैसे ऐड करना है। लेकिन मान लीजिए यही डिटर्मिनेंट होता, अरे वो मैट्रिक्स होता, तो मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, 9 और 10 है, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें क्या होता, इसको कैसे आप ऐड करते, तो इसको ऐड कैसे करते बताइए, 2+1 कितना हो गया 3, 3+2 कितना हो गया 5, 4+3 कितना हो गया 7, इसमें ईच एलिमेंट को ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एडिशन तभी कर पाएंगे जब कोई दो कॉलम सेम हो, दो कॉलम को सेम रखना है, और यहाँ पर देखिए जैसे दो कॉलम को सेम रखना है हर जगह, यहाँ भी सेम है और एडिशन होगा, तो आप समझिए ध्यान से किस तरह से ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं डिटर्मिनेंट में और इसको ऐड करना है, डिटर्मिनेंट में 3, 1, -2 है, और यहाँ पर ले लेते हैं 2, 5, 3 है, और यहाँ पर ले लेते हैं 4, -2 और 0 है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 3, 1, -2 है, यहाँ पर ले लेते हैं 1, 4, 8, और यहाँ ले लेते हैं 4, -2, 0, अब बोला गया इसको आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पर पहले सोचिए, अब ऐड करने से पहले यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई दो रो और कॉलम सेम है, क्योंकि ध्यान से देखिए तो इसमें R1 इसमें R3, यहाँ भी R1 R3 सेम है, तो ये सेम है, तो कहने का मतलब कि एडिशन जब करेंगे तो ये तो उतर जाएगा, क्योंकि जो सेम वाला होता है वो उतर जाता है, अब कोई दो सेम होना चाहिए, अगर कोई दो सेम नहीं है तो समझ लीजिए एडिशन होगा ही नहीं, ये इसका रूल है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों सेम होता, यहाँ पर सेम अगर नहीं होता तो एडिशन नॉट पॉसिबल आंसर हो जाता, नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम दिया है तो इसको उतार देंगे, 3, 1, -2 ये ऐड होगा ही नहीं, और 4, -2, 0, क्योंकि जो सेम देता है उसको केवल देखिए यहाँ पर ऐड किसको किए हो आप, A1, B1, C1 को जो डिफरेंट है, क्या आप XYZ को ऐड किए हो, नहीं, जो सेम होता है उसको उतार देते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर कॉलम सेम था, यहाँ पर R1, R3 सेम है, R1, R3 इसको उतार देंगे, अब यानी कि 3 और 3 6 कर देना, हाँ यहीं अगर सिंबल बदल कर मैट्रिक्स का सिंबल कर देते हैं तो मैट्रिक्स में ऐड हो जाता। अब आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के एडिशन में क्या अंतर है, किसको ऐड करोगे जो डिफरेंट है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 और 8 कितना हो गया 11 हो गया, ये स्टूडेंट इसका आंसर आएगा। तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि 90% बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता है एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे में यूज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो साइड बुक में इसके मिलते हैं, इसीलिए इसका बहुत रोल है। तो समझिए किस तरह से इसमें एडिशन होता है, कोई भी दो रो या कॉलम सेम होगा तभी आप ऐड कर पाओगे, इसको नोट कीजिए। तो और देखते हैं क्लियर होगा कंसेप्ट आपका, एक क्वेश्चन करेंगे इसी पर एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट पर, जिससे और भी कंसेप्ट हम लोग का स्ट्रांग होगा। देखिए आप क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे 4.2। 4.1 में तो बस आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो आसान है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, ये 101 है, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, कैसे करोगे? अब आपके दिमाग में विचार आएगा किसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो आप एक्सपेंड कीजिए, देखिए बहुत बड़ा सा नंबर है, तो इतने बड़े नंबर को अगर आप एक्सपेंड करते भी हैं तो देखिए आपका जो आंसर है आएगा लेकिन बहुत लेट आएगा। तो कैसे करेंगे इसको बताइए, सोचिए कैसे इसको किया जाएगा, क्या तरीका इसका है, तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर जो एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट है आपका कामयाब हो जाएगा, कैसे, जरा सोचिए कि 100 जो 3 है इसमें एक का गैप है केवल, यहाँ भी एक का गैप है, तो 103 को 102+1 लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे इसको 102+1 लिखेंगे तो देखिए 102 यहाँ पर दिख जाएगा इसका, यहाँ पर 105 है तो यहाँ पर 105+1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 108+1 लिख सकते हैं कि नहीं,
या यहाँ पर सोचिए अगर 107 है तो इसको 107 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो कोई एक ब्रेक कीजिए, पहले पहले इसको एडिशन के फार्म में लिखिए। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये आपका 101 है स्टूडेंट, ये 102 है, इसको 102 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपके आधे श्रावण क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिखने का क्या हम लोग का प्रॉफिट होगा, ये 104 है, ये आपका 105 है, ये 105 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 107, 108, इसको लिख देंगे 108 प्लस 1। क्या इसका फ़ायदा होगा देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोग इसके फार्म में लिखे ये दिख गया। अब ये देखिए एडिशन है, प्लस किया गया है, मतलब यहाँ पर एडिशन हुआ होगा, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे बताइए। इसको स्प्लिट अगर करना होगा तो बताए थे कि अगर ये एडिशन तभी हुआ होगा जब दो यहाँ पर कॉलम क्या रहा होगा, कंस्टेंट रहा होगा। तो ये इसको देखिए ब्रेक कर लेते हैं, एडिशन तो है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो 101 ये 104 को कंस्टेंट, ये 107, तो इन दोनों को हमें कंस्टेंट रखना पड़ेगा। ये 102, ये 100 क्या हो गया 5, ये 108 हो गया। अब इसको लिखिए, तो एक बार यहाँ पर 102 लिखेंगे, फिर 105, यहाँ पर 108 हो गया। अब प्लस प्लस अभी इस वाले को लिखिए, अब फिर इस दो कांस्टेंट रखेंगे, 1 को लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 101, 104, 107, 102, 105, 108, अब फिर हो जाएगा 111। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको स्प्लिट किए, क्योंकि ये ऐड था तो इसको स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि दो यहाँ पर कॉलम कंस्टेंट है और इसको आप अलग अलग ब्रेक कर दिए। क्या करेंगे इसके बाद ध्यान से स्टूडेंट देखिए, तो इसमें आपका C2 इक्वल टू C3 है, C2 इक्वल टू C3, मतलब कि कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों सेम हैं, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कोई भी दो कॉलम या रो सेम है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, मतलब ये तो जीरो हो गया, ये तो पूरी कहानी समाप्त हो गई। यहाँ पर लिख देना कि C2 इक्वल टू C3, ये टू कॉलम्स आर सेम, सो वैल्यू ऑफ दिस जीरो। देखिए कितना काम का चीज़ है, अगर एक्सपेंड करते तो कितना समय लगता। आप प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग तो डायरेक्ट लिख दिए जीरो, तो थैंक्स टू दिस प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो रो कॉलम सेम होगा तो जीरो होगा, तो ये प्रॉपर्टी को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपका कोई सेम नहीं हुआ, तो फिर से जैसे यहाँ पर आप इसको स्प्लिट किए, ब्रेक कर दिए 103 को, यहाँ पर सोचिए 102 को 101 प्लस 1 लिखने का फायदा क्या होगा कि ये दिख जाएगा, 105 को 104 प्लस 1 लिखेंगे ये भी दिख जाएगा। अब वैसे इसको ब्रेक कर लीजिए, तो देखिए फिर से अगेन ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं और, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट जीरो आ गई, जीरो प्लस इसको लिखते हैं, तो ये आपका हो गया 101, 104, 108, इसको आप ब्रेक कीजिए, 101 प्लस 1, 104 प्लस 1, 100, यहाँ पर स्टूडेंट 7 है, यहाँ पर 7 है, ध्यान दीजिएगा ये 107 है, तो इसको 107 प्लस 1 लिखेंगे, 108 को, ये 111 हो गया। फिर से वही बात आ गई, अब देखिए इसको कैसे आप करोगे, तो देखिए यहाँ पर एडिशन किया गया, कोई जो नहीं कि यहीं पर एडिशन हो, एंड में बीच में भी एडिशन हो सकता है, यहाँ भी एडिशन हो सकता है, हो सकता है तीनों ही एडिशन हो। तो देखिए अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो तरीका वही है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ये तो जीरो है, जीरो प्लस, इसके लिए जीरो आई थी, अब इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पर एडिशन है, तो जहाँ पर एडिशन है पहले उसको, पहले जो जहाँ पर एडिशन है उसको पहले लिख लीजिए, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, 101, 104, 107 होगा। यहाँ पर देखिए 111, ये दो कांस्टेंट रहेगा तभी तो ये ऐड हुआ होगा। अब इसमें पहले वाले एलिमेंट को लिख दीजिए 101, 104, 107, फिर प्लस, फिर से स्टूडेंट अब इसको लिखे हैं, अब फिर इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे 104, 101 स्टूडेंट 101, 104, 107, और फिर यहाँ पर 111, और देखिए यहाँ भी क्या है 111 ही है, ध्यान से आप देख पा रहे हैं कि नहीं। इन दोनों को कांस्टेंट रख के इसको ले लिए, इन दोनों कांस्टेंट को रख के पहले इसको ऐड किए हैं, और फिर इन दोनों कांस्टेंट को फिर इसको ले लिए। ध्यान से देखिए तो बहुत मज़ेदार बात आएगी, यहाँ पर जीरो प्लस, देखिए यहाँ पर C1 C2 सेम है, तो ये भी क्या आ गया जीरो आ गया, और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर भी C2 C3 सेम है, यहाँ C1 C2 यहाँ C2 C3 भी जीरो आ गया, तो आंसर क्या आ गया जीरो। कितना आसान है, तो इसको आप नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको नोट कीजिए आप। तो ओके स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे सही से, देखिए यहाँ पर वैल्यू जीरो आ गई, तो वास्तव में इस प्रॉपर्टी का देखिए हम लोग यूज कर लिए, अदरवाइज आप करते तो बहुत लंबा समय लगता, आंसर तो आता, लेकिन हम लोग को वैसे काम करना है जिससे जल्दी आए।
और ज़्यादा हम लोग को तकलीफ ना हो इसको हटाते हैं और देखते हैं और भी क्वेश्चन इसमें, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एनसीईआरटी की देखिए एक्सरसाइज 4.1 में बोला गया कि डिटरमिनेंट निकालिए, एलॉन्ग द रो, सेकेंड रो एलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, तो ये सब बता चुके हैं आपको हम, तो सब कर लोगे। 4.2 में प्रूफ करने के लिए दिया है प्रॉपर्टी का यूज करके, थोड़ा सा उसमें अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे दो तीन, तो इसीलिए उसको हम थोड़ा कराएंगे आपको 4.2 को। तो एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 4.2, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, देखिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपेंड प्रूव दैट, मतलब आपको क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा बुक में क्या दिया है, प्रॉपर्टी का यूज करना एक्सपेंड नहीं करना है, अप्रूव करना है प्रॉपर्टी का यूज करके। क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर लिखा गया है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोला गया स्टूडेंट कि इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है, अब यानी कि यहाँ डिटरमिनेंट को ही सॉल्व कर दो। हाँ, अगर मान लीजिए कंपटीशन आ गया, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टीज नहीं कर पाओगे तो इसको एक्सपेंड कर दो, डिटरमिनेंट को तो एक्सपेंड करना आता ही है, ये जीरो आ जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है और प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, तो प्रॉपर्टी का यूज आपको करना पड़ेगा और एक्सपेंड करना ही नहीं है इसमें, तो बिना एक्सपेंड किए इसको जीरो कैसे लाओगे। तो देखिए अभी पढ़ाए थे, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आ गया एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट, जब भी आपको डिटरमिनेंट के अंदर दो एलिमेंट ऐड करते हुए दिख जाएं आप समझ जाइएगा कि वहां पर एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट का कंसेप्ट लग गया है। तो क्या करेंगे इसमें, तो बस अपना अस्त्र शस्त्र तैयार कर लीजिए। एक्स वाई जेड बताए थे कि एडिशन तभी हुआ, इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो इन दोनों को कंस्टेंट रखेंगे, तो एक्स वाई जेड ए बी सी इन दोनों को कंस्टेंट रखेंगे, और फिर किसको लिखेंगे, पहले एक्स वाई जेड को लिखेंगे प्लस, फिर से स्टूडेंट इन दोनों को कंस्टेंट रखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, और क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर ए बी सी, ये तो हो गया प्रूफ, ये तो हो गया कैसे एक्स वाई जेड यहाँ पर सी वन इक्वल टू सी थ्री है, इसमें स्टूडेंट क्या है सी टू इक्वल टू सी थ्री है, कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड इक्वल है, सो ये भी क्या जाएगा जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो गया जीरो। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिंस कॉलम वन एंड कॉलम थ्री इज इक्वल सेम सो वैल्यू आप दिस जीरो, ये भी लिख सकते हैं, बहुत आसान था। क्वेश्चन सेकेंड देख लेते हैं, तो देख लीजिए कितना अच्छा इसमें यूज हो गया। क्वेश्चन देखिए सेकेंड क्या दिया है आपके एनसीईआरटी की बुक्स में, यहाँ पर दिया गया है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी, फिर यहाँ पर दिया गया आपका सी माइनस ए ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टूडेंट आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए बहुत आसान है, इसको प्रूफ करना है जीरो, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए इसका आप आपको डिटरमिनेंट में पहले तो याद रखिए कि डिटरमिनेंट में एक दो क्वेश्चन कर लेने से आपको नहीं समझ में आएगा कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा, हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो जाए, तो पहले आपके पास 8-10 क्वेश्चन का अच्छा से एक्सपीरियंस अगर आ जाएगा करने का, तब आपको क्लिक करने लगेगा कि नहीं हमें इस क्वेश्चन में कैसे फॉरवर्ड करना है। तो आपको स्टूडेंट पहले तो इसका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद आप जज कर लोगे कि अब इसमें हमें अप्रोच कैसे करना है, इसमें फॉरवर्ड कैसे करना है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है और बोला गया है कि इसको प्रूफ करना है जीरो, कैसे प्रूफ करोगे इसको जीरो, तो देखिए यहाँ पर हम एक ऑपरेशन यूज कर देते हैं आर वन में, एक ऑपरेशन यूज कर देते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखिए इसका फायदा क्या होगा, सपोज दैट कि अगर आप R1, R2, R3 को R1 में ऑपरेशन यूज करेंगे तो R1 में ही चेंज जाएगा, ये हम बता दिए हैं आपको, तो इसको ऐड कीजिए, तो जब ऐड करते हैं तो पहले तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो B माइनस सी ये C माइनस ए हो गया, ये A माइनस बी हो गया, ये C माइनस ए ये A माइनस बी और ये B माइनस सी हो गया। अब स्टूडेंट इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। और प्रॉपर्टी पढ़े है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है, तो हो गया प्रूफ जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो प्रूफ हो गया। बस एक सिंपल सा इसमें ऑपरेशन यूज कर दिए कि आर वन आर टू और आर थ्री को ऐड कर दिए और इजीली हो गया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितना आसानी से हो गया।
या आप कॉलम को ऐड कर देते तो बी से बी कर देता, सी से सी कर देता, ए से ए कर जाता, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 उसको भी कर लेते तो यहाँ पर 0 0 आता, आंसर 0 आता। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम कर सकते थे स्टूडेंट। इसमें कहा इसको नोट करें तो क्वेश्चन में देखते हैं 3 क्या दिया है। देखिए 3 क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोला गया है 2, ये क्वेश्चन 3 यहाँ पर लिख रहे हैं, बोला गया है 2765 दिया गया है, 3875 और इसमें दिया गया 5986 ये दिया गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखिएगा, बोला गया कि विदाउट वो एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। स्टूडेंट अब कैसे करोगे, इसमें जीरो प्रूफ करना है। जब भी जीरो प्रूफ करना है तो ज़रा सोचिए कि कोई दो कॉलम सेम कर दीजिए या कोई दो रो सेम कर दीजिए या तीनों एलिमेंट को ही जीरो कर दीजिए किसी रो और कॉलम का। मोस्टली यही आता है कि दो कॉलम सेम मिल जाता है या रो कॉलम मिल जाता है सेम। कैसे इसको करोगे आप प्रूफ, एक्सपेंड तो करना नहीं है, एक्सपेंड करोगे भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। ज़रा सोचिए अगर ये 63 होता तो 9 इसमें से कॉमन मिल जाता, अगर ये 72 होता कुछ ऐसा, इसको ब्रेक करें कि देखिए अगर इसको 65 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से 235 है, ये 789 है। देखिए यहाँ पर जो आपका एडिशन आप डिटरमिनेंट जो पढ़ाए थे उसका लॉजिक यहाँ ज़्यादा लग रहा है। 65 है तो इसको आप 63+2 लिखिए, 75 को आप लिखिए 72+3 लिखिए, और 86 को स्टूडेंट बताइए आप क्या लिखेंगे, तो 81+5 लिखिए इक्वल टू 0। देखिए इसको इस तरह से लिखिए 81+5 यहाँ 5 ही, आप 82+4 क्यों लिखे हो, 82+4 लिखकर क्या करते, क्योंकि देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 3 तो यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 तो यहाँ 2 दिख रहा है, तो इसको एडिशन इस तरह से करना है। कुछ एलिमेंट इसमें आपको ऑब्जर्व हो पाएंगे सही से कि नहीं ये दिख रहा है, जब इसको स्प्लिट करोगे तो देखिए इसका प्रॉफिट क्या होगा। हमें जीरो प्रूफ करना है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर इसको कीजिए स्प्लिट। कैसे करोगे, तो इसको तो कांस्टेंट रखना है, तो डिटर्मिनेंट में आपको 2, 3, 5 को और 7, 8, 9 को तो कांस्टेंट रखना है। इसके साथ आप क्या लेंगे, 63 लेंगे, 72 लेंगे और 81 लेंगे, अब प्लस और इसको कांस्टेंट रखना ही है, और 2 हो गया, 3 हो गया, 5 ये हो गया, 7, 8, 9 और यहाँ पर इसके साथ आप लेंगे 2, 3, 5 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर C1, C2, C3 सेम है, ये 0 आएगा क्योंकि दो कॉलम सेम है। प्लस स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देख पाते हैं, सही से देखिए ऑब्जर्व कीजिए, क्या इस कॉलम 3 में से कोई कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉलम मिल जाएगा कॉमन आपको, 9 जैसे ही मिलेगा तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 का अब ले लीजिए कॉमन, तो 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81 प्लस 0। बताइए स्टूडेंट यहाँ भी ये सेम हो गया कि नहीं, C2 C3, तो 9 बाहर था तो 9 × 0 क्योंकि स्किल तो 0 आने ही है क्योंकि सेम हो गया, तो 0 + 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ भी देखिए इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, LHS = RHS। तो कितना आसान है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट का भी इसमें यूज कैसे हो पा रहा है। इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। तो बस हमें एक ही फ्लो में काम करना है, एकदम आत्मविश्वास के साथ काम करना है स्टूडेंट। आत्मविश्वास की जमीन कितना शानदार, इतना मजबूत बनाइए कि उसमें जो ज्ञान का पौधा उगे एकदम टिकाऊ हो और लंबे समय तक चले। तो आपकी आत्मविश्वास की जमीन दलदली नहीं होनी चाहिए, वो ज़मीन मजबूत होनी चाहिए। एकदम एक नए धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ पढ़िए, एकदम आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन 4 दिया है आपका एनसीईआरटी में, ये 1 है, 1 यहाँ 1 1, ये BC दिया है, ये CA दिया है और यहाँ पर AB दिया गया है, ये A ब्रैकेट में B+C, यहाँ B दिया है C+A और यहाँ पर C दिया गया है A+B और इक्वल टू हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है 0। क्या करोगे इसमें, देखिए इसमें तो पहले 0 प्रूफ करना है, तो हम आपको क्या बताए थे कि आप सोचिए कि कोई दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए, वही ज़्यादा आता है। विदाउट एक्सपेंडिंग पूछा है तो समझिए कि एक ही जो प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि कोई दो रो सेम हो जाए तो वो 0 हो जाएगा,
वहीं एक प्रॉपर्टी है जो जीरो कर दे, या तो तीनों एलिमेंट को जीरो कर दो कोई रो या कलम का, और क्या सच पाओगे आप? इतना ही सच पाओगे, क्योंकि विदाउट एक्सपेंड करना है जीरो, तो वही प्रॉपर्टी होती है जो जीरो करेगी जब दो कोई रो या दो कोई कॉलम सेम कर दोगे। कैसे करोगे सेम? यहाँ पर 111 है, और भी कहीं 11 बन जाए तो काम हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें? पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, ओपन कीजिए, थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ये 111 हो गया, ये बी सी, ये सी हो गया, ये ए बी हो गया। इसको एक्सपेंड कीजिए, ए बी प्लस क्या हो गया, ए सी हो गया, ये आपका हो गया बी सी प्लस सी ए, और ये हो गया आपका सी ए प्लस ए बी। इक्वल टू प्रूफ करना है जीरो। क्या करेंगे स्टूडेंट? अब बोलोगे कि ये एडिशन है तो इसको आप स्प्लिट कर दिए, तो स्प्लिट करने से भी कोई आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि चलिए 1 1 इसको कांस्टेंट रखिए, फिर ए बी आएगा, ए बी बी सी सी ए, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको ऐड कर लीजिए। तो क्या स्प्लिट कर भी लोगे दो डिटरमिनेंट में, तो क्या कोई दो रो कॉलम सेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पहले जितने भी हम लोग स्प्लिट किए थे वहाँ पर सेम कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे हो नहीं पाएगा। देखिए एक ऑपरेशन यूज कर लीजिए इसमें, आपको दिखेगा अगर ए बी ए सी इसके साथ बी सी मिल जाए, और बी सी सी एस के साथ ए सी मिल जाए, और सी ए बी को ए बी मिल जाए, तो तीनों सेम हो जाएगा। स्टूडेंट यहां पर एक हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं किसमें, कि सी थ्री में या सी टू में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी टू या सी थ्री, जब सी थ्री लिखेंगे तो यहाँ पर सी थ्री लिखेंगे, सी थ्री प्लस सी टू। सी थ्री में एक ऑपरेशन यूज कर दिए कि सी थ्री और सी टू को ऐड कर दिए। इसका देखिए फायदा क्या होगा कि आपका 111 हो गया। सी थ्री में यूज कर रहे हैं ऑपरेशन, तो सी वन सी टू में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो बी सी सी ए बी। हाँ, अब सी थ्री में ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हो आप, कि इसको ऐड कर रहे हो, तो देखिए क्या हो जाएगा। बी सी इसको अरेंज करके ऐड कर लेते हैं, बी सी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी ऐड कर लिए, सी ए प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस सी ए प्लस ए बी, एक ओल्ड प्रूफ करना है जीरो। देखिए स्टूडेंट ऐड कर लिए, लेकिन देखिए सब डिसअरेंज है, ए बी है, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें छूट रही हैं क्या। सी ए प्लस यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ओपन करेंगे तो सी ए प्लस यहाँ बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ए ए बी सी ए प्लस यहाँ बी सी कर लीजिए, जल्दबाजी में हो गया आप ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी आपको स्टूडेंट दिखेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ भी सी ए दिख रहा है। इसमें भी देख लीजिए तो सही से किया गया कि नहीं, यहाँ पर बी सी प्लस यहाँ भी ध्यान नहीं दिया गया क्या, बी सी प्लस यहाँ बी ए हो जाएगा। ओपन कीजिए तो इसको ऐड किए तो सी ए प्लस बी सी प्लस यहाँ बी ए हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ देखिए अब ऐड किए हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ओपन कर दिए हैं, तो बी सी प्लस यहाँ बी हो जाएगा, सी ए प्लस यहाँ पर बी सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, देखिए सब सेम ही तो है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को कॉमन ले लिए, किसमें से, थर्ड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से, तो यहाँ क्या बचेगा 111, ये हो गया आपका बी सी सी ए और ए बी हो गया, और स्टूडेंट ये 111 बचेगा। आप समझ पा रहे हैं कैसे किए हैं, इन दोनों को ऐड करते ही क्लिक हो गया कि नहीं ये सेम आ जाएगा, और सेम आ गया तो इसको कॉमन ले लिए बाहर, तो यहाँ 11 देखिए ध्यान से, तो ये दोनों सेम आ गया, तो सी वन और सी थ्री सेम हो गया, मतलब दो कॉलम सेम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर तो पहले से था, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, और जीरो से जब लगाओगे मसाला तो जीरो ही आएगा। आसान है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं स्टूडेंट, देखिए 5 कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 5 में दिया गया है बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, आपके बुक में देखिए क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, और यहाँ पर पी प्लस क्यू दिया गया है, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और एक्स प्लस वाई, इक्वल टू दिया गया है 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। ये स्टूडेंट दिया गया क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए और इसको सोचिए कैसे होगा, क्या इसमें तरीका हम लगा सकते हैं। दिया गया है बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ पर
इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे यहाँ पर, इसको अगर हम लोग अब ये लाना है, एक सिंगल डिटर्मिनेंट लाना है यहाँ पर, बाहर टू होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का करने का लॉजिक क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पर आप पहले काम कीजिए कि R1, R2 और R3 को ऐड कर दीजिए। R1, R2, R3 को ऐड करने से आपको फायदा क्या होगा, फायदा अगर स्प्लिट करेंगे तो कोई इसका फायदा नहीं है। पहले इसको देखिए, R1, R2, R3 को ऐड करने से क्या होगा कि देखिए यहाँ से B और B कितना जगह 2B, C और C 2C और A और A क्या जगह 2A। तो देखिए यहाँ पर 2A प्लस B प्लस C आएगा, ये 2P, 2P और P कितना हो गया 2P, Q और Q कितना हो गया 2Q, R और R कितना हो गया 2R। वैसे ही देखिए वो 2 टाइम्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ऑपरेशन यूज कर देते हैं कि R1 में, देखिए स्टूडेंट R1 में हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दिए, तीनों रो को ऐड कर दिए। इसका फायदा क्या होगा कि केवल R1 में ही चेंज आएगा, तो R2 और R3 तो वैसे ही रहेगा। तो ये C प्लस से इसको रख दीजिए, ये आपका हो गया A प्लस B, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा R प्लस P, ये हो जाएगा P प्लस Q, यहाँ पर ये हो जाएगा Z प्लस X, ये हो जाएगा X प्लस Y। ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐड करने से R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐड कीजिए देखिए आएगा ये 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, इसको ऐड कीजिए तो 2 ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 ब्रैकेट में X प्लस Y प्लस Z आएगा। इक्वल टू प्रूफ करना है दिस, आप ऐड करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, यही आएगा क्योंकि P और P दो बार आएगा, Z Z दो बार आएगा, X X दो बार आएगा, Y Y दो बार आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है सोचिए, अब इसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो स्टूडेंट 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, 2 जैसे ही अगर आप कॉमन लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बाहर 2 लीजिए क्योंकि 2 देखिए में डिमांड है 2 की, तो 2 तो दिखा, एक तो चीज़ में दिखा, एक तो आशा की किरण दिखाई देगी कैसे करना है। तो यहाँ से हो गया स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी, यह हो गया आपका सी प्लस ए, यह हो गया आपका ए प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, R प्लस पी, ये हो जाएगा P प्लस क्यू, ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, इक्वल टू प्रूफ करना है 2, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें बहुत इजी होता जाएगा धीरे धीरे कंसेप्ट कैसे में करना है इसमें। यहाँ पर देखिए एक और ऑपरेशन हम यूज करने जा रहे हैं, एक और ऑपरेशन यूज करेंगे तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, एक ऑपरेशन यूज करने का और, कि यहाँ पर 2 दिया है, a प्लस बी प्लस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि देखिए c प्लस ए यहाँ पर है, c प्लस ए यहाँ पर है, तो इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो कट जाता, तो हम ऑपरेशन स्टूडेंट ऐसे यूज कर रहे हैं कि c2 में से, ध्यान से देखिएगा, तो C2 में से हम माइनस कर रहे हैं किसका, C2 में से नहीं, R2 में से माइनस कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर रो वाइज चल रहे हैं, तो R2 में से माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, और फिर R3 से, R3 में आप प्रश्न यूज कर रहे हैं, R3 भी करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे, R1 से ही माइनस किया जाएगा क्योंकि देखिए R1 में जो एक्सप्रेशन दिया गया है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसीलिए अब इसका फायदा स्टूडेंट क्या होगा देखिएगा ध्यान से, क्या आप R2 और R3 में यूज किए ऑपरेशन तो R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो R1 को तो आप वैसे ही लिख लीजिए, 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ यूज़ किया, R2 और R3 में, R2 में क्या यूज़ किया कि R2 में से R1 को माइनस करेंगे, तो कीजिए R2 में से R1 को माइनस, R2 ये है, R1 ये है, तो C प्लस A से, देखिए यहाँ पर अगर C प्लस A से जब माइनस करेंगे A प्लस बी प्लस सी को, तब लिख लिख कर क्या करें, इसको तो ओरली कर सकते हैं, ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस बी बचेगा, मतलब यहाँ माइनस बी बचेगा। अब ओरली कीजिए, जब R प्लस पी से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, तो बचेगा माइनस क्यू, कर लीजिएगा स्टूडेंट, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जेड प्लस एक्स तो कट जाएगा, बचेगा माइनस वाई। अब फिर देखिए, फिर आर थ्री में से आर वन को, तो ए प्लस बी से प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी बचेगा, एकदम जल्दी आप कर सकते हैं, पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट जाएगा लेकिन माइनस आर बचेगा, क्योंकि उल्टा माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस आर होगा, और एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटेगा तो माइनस जेड होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, इक्वल टू प्रूफ करना है क्या, टू यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये प्रूफ करना है स्टूडेंट। देखिए हम लोग मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, अब क्या करेंगे,
हमें सी आर जेड तो दिख गया, बी क्यू आई भी दिख गया यहाँ पर, और ए पी एक्स कैसे दिखेगा? देखिए ए कैसे दिखेगा, अगर आर वन में फिर से आप प्रश्न यूज करें, क्योंकि आर टू आर थ्री में तो यूज कर चुके, अब बचा आर वन, तो इसकी बारी है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर लीजिए, इसका क्या फायदा होगा? देखिए तो टू आर वन में हम यूज कर रहे हैं ऑपरेशन, तो आर टू आर थ्री में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये माइनस क्यू ऐसे ही रहेगा, ये माइनस वाई माइनस आर माइनस जेड, लेकिन R1 अगर तीनों को ऐड करोगे तो B से B कटेगा, C से C A बचेगा, QR कट जाएगा, P बचेगा, क्योंकि तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कट जाएगा, YZ कट गया, X बचेगा, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? दिस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो आ गया प्रूफ हो गया, लेकिन यहां पर माइनस साइन नहीं है, तो माइनस एक बार यहां से कॉमन लीजिए, सेकेंड रो से तो माइनस वन बाहर आएगा इनटू, फिर थर्ड रो से माइनस वन कॉमन लीजिए तो माइनस वन आ गया, तो क्या बचा अंदर? ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? दिस माइनस वन दो बार, क्योंकि टू टाइम्स कॉमन लिए हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो टू, तो देखिए स्टूडेंट प्रूफ हो गया कि नहीं, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड इक्वल टू आर एच एस, यही तो प्रूफ करना था आर एच एस में। थोड़ा सा स्टूडेंट देखिए, कुछ क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, ये क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा सा कैसे क्लिक किया, कि हम लोग को यहाँ पर देखिए ए पी एक्स लाना था, यहाँ पर देखिए एडिशन के फॉर्म में था, यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट लाना है, तो कैसे सोचे कि अगर हम लोग R1, R2, R3 को तीनों को ऐड कर देते तो इसका फायदा क्या होगा, कि ये जो B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी जो बिखरा हुआ है, ये एक साथ जब आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये जो क्यू आर पी पी क्यू अलग अलग जो बिखरा है इसको एक साथ ऐड करोगे तो ये आएगा, फिर आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिख जाएगा, ये टू टाइम्स दिखा तो टू तो बाहर आया, तो आखिर टू का लॉजिक कहाँ से बनाए, कि अगर इसको ऐड कर देते तो बी और बी टू बी, यहाँ पर टू यहाँ पर टू सी, तो इससे टू तो बाहर आ गया, तो ऐड तो करना जरूरी था, तभी तो टू बाहर आता, क्योंकि टू में दिखना चाहिए था। अब इसी को मैं देख कर काम करना था, जो प्रूफ करना है उसको देखते रहिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या किए हैं, कि अब यहां पर ये चीज जब आ गया तो अब सोचे कि यहां पर बी क्यू वाई कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से इसको माइनस करने का लॉजिक क्या हुआ, कि देखिए यहां पर क्या बचेगा, सी प्लस से कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा बताइए यहां पर, तो माइनस भी बचेगा, क्योंकि आर टू में हम लोग ऑपरेशन यूज कर दिए आर टू माइनस आर वन, फिर इसमें से इसको माइनस की तो ये बचा। अब जैसे ये करने के बाद ऑपरेशन, अब देखिए कि ये चीज़ तो दिख गया, लेकिन अब यहाँ पर ए पी एक्स कैसे दिखेगा, ए कैसे दिखेगा, तीनों को ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड करेंगे बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, इसके बाद माइनस दो बार है, दो बार कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस प्लस प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एकदम आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम देते हैं स्टूडेंट, एकदम आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब ऐड किए थे तो रो वाइज ऐड किए थे, तब जाकर टू ए प्लस बी प्लस सी मिला। अगर मान लीजिए b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी अगर ऐसे कॉलम में देता तो कॉलम को ऐड कर देते, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन से कर लिए। हो सकता है कि यही क्वेश्चन दे दे आपको कॉलम ऑपरेशन से यूज करना पड़ जाए। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं और आर डी सर में क्वेश्चन दिया है, आप इसको जरूर कीजिएगा, एकदम इसी के बेसिस पर है। इसमें हम रो को ऐड कर लिए थे, अब उसमें देखिएगा कि रो को ऐड करने से प्रूफ हुआ, कॉलम को ऐड करने से होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए हम दे देते हैं, और उसको जरूर कीजिएगा, हमें खुशी होगी, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ पर दिया गया a प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, आपको कैसे सोचना है, पहले टू कैसे जनरेट करोगे, टू कैसे लाओगे, तो देखिए अब कॉलम में आर वन आर टू आर थ्री को ऐड करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बी और बी ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए इसको अगर ऐड करें तो बी और बी क्या हो गया, टू बी, सी और सी टू सी, ए और टू ए, तो सी वन सी टू सी थ्री को ऐड कीजिएगा, देखिए फिर टू आएगा, जैसे उसमें किए थे एकदम ऐसे करते जाइएगा, एकदम ये प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने से करेंगे तो इसको स्टूडेंट नोट कीजिए, थोड़ा सा हम कैमरे में देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट सही है एकदम। और एक क्वेश्चन और करते हैं, सिक्स देखते हैं। देखिए सिक्स क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो गया है, ये आप देख लीजिएगा, हम करवा चुके हैं, वहां पर डायगोनल एलिमेंट जीरो थे और अपोजिट जो थे मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, उसका आंसर हमेशा जीरो आता है, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, डन है। क्वेश्चन सेवन देख लीजिए, क्वेश्चन सेवन भी करवा चुके हैं, देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 8 बोला गया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर बस बोला गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और लास्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि विदाउट एक्सपेंड नहीं बोला है, बस बोला है प्रॉपर्टीज का यूज करना है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग लास्ट में एक्सपेंड भी कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में एक्सपेंड मत कर देना, प्रॉपर्टी का तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। तो बोला गया है बाय यूजिंग 111 है यहाँ पर, यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया है ए बी सी और ये दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। स्टूडेंट ये इसमें दो क्वेश्चन दिया है एट में, लेकिन देखिए टाइम तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप ये ट्राई करना, कैसे ट्राई करना, देखिए प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है तो पहले क्या करना, कोशिश करना कि डिटर्मिनेंट में अधिक से अधिक जो एलिमेंट है जीरो बने। जैसे मान लीजिए कि R1 में से R2 को माइनस करोगे तो 1 में से बन जाएगा जीरो, R2 में से R3 को माइनस करो तो 1 में से बन जाएगा जीरो। देखिए दो जीरो मिल गया कि नहीं, दो जीरो मिल गया तो अब लास्ट में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। दो जीरो किसी तरह से लाइए, इसके बाद तुरंत एक्सपेंड हो जाएगा। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग में एक्सपेंड कर दो, क्योंकि बोला है प्रॉपर्टी का तो कुछ यूज करना ही पड़ेगा और लास्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप उम्मीद है कि इसको कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे और इसके बाद हम लोग एट के बाद जो क्वेश्चन बच गए हैं, क्योंकि टोटल 15-16 क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो और बना देंगे इसका, अच्छे से इसमें आपको डिस्कस कर देंगे सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा स्टूडेंट और एकदम जोश के साथ पढ़िए अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।